एनएलओ के साथ उनका गठबंधन हुआ था, उस सभा में एनएलओ के प्रधान ने साफ साफ कहा था कि हरिजन शब्द का इस्तेमाल करा था, जो कि बिल्कुल संवैधानिक नहीं है। बहन जी एक ऐसी व्यक्ति है जिन्होंने उसी मंच पे, उसी सभा में, उसी जनता के सामने, उसी माइक पे बोला कि अगर आप हमें हरिजन बोल रहे हो, हम दलितों को हरिजन बोल रहे हो, तो आप क्या राक्षसों की औलाद हो? ये हर किसी के बस कि मान्यवर साहब के ही कथन है कि बीएसपी एक पार्टी नहीं है, ये एक मिशन है, ये एक सामाजिक सुधारण, ये राजनीतिक मिशन है। इस मिशन में, और मिशन कभी है ना रुका नहीं करते, मिशन किसी समय धीरे भी हो जाते हैं, मगर वो कारवा जो चलता रहता है, बाबा साहब का कारवा 50 साल बाद या 40 साल बाद मान्यवर जी ने संभाला, उनके तत्पश्चात हमारी बहन कुमारी मायावती जी जो कि मुख्यमंत्री रही हैं 4-4 बार यूपी की, उन्होंने संभाला, और अब आने वाली जनरेशन भी संभालेगी। समय परिवर्तित होते, गतिशील होता है, वो हमेशा कभी ऊपर और कभी नीचे होता है, मगर मिशन कभी रुका नहीं जाता, मिशन चल रहा है। ऐसा नहीं है आप था सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, इसलिए बहन जी ने जब सरकार 4-4 बार चलाई तो सभी धर्मों के लिए, सभी बिरादरियों के लिए, सभी वर्गों के लिए काम किया। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार और मैं इस समय यहाँ पे मानवर कांसीराम साहब का प्रेरणा स्थल है, मैं वहाँ पे हूँ। और आप सभी लोग जानते हैं कि बहुजन समाज में जन्मे मानवर कांसीराम साहब जी का आज महापरिनिर्वाण दिवस है, और आज देश भर से लोग यहाँ पर आकर उनकी जो प्रतिमा थी वहाँ पे सुमन श्रद्धा अर्पित किए हैं, और कुछ लोग हैं मैं उनसे जानने की कोशिश करूँगा जिस तरह से बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों को लेकर बहुजन समाज पार्टी जो है लगातार उनके जन्मदिन हो चाहे महापरिनिर्वाण दिवस हो मनाने का काम करती है, और देश भर में बहुजन समाज के विचारों को, बहुजन महापुरुषों के विचारों को जन जन तक पहुंचाने की काम करती है। तो उसी के रूप में यहाँ लोग आए हुए हैं। कहाँ से आए हैं सर आप? सर मैं दिल्ली शकुरपुर त्रिनगर विधानसभा से। आप क्या कहेंगे जिस तरह से आज मानवर कांसीराम साहब जी का महापरिनिर्वाण दिवस? बिल्कुल, सबसे पहले तो सादर जय भीम आप सबको। मैं दिनेश मधुकर, जिला चांदनी चौक से उपाध्यक्ष, दिल्ली से। आपने जो सवाल पूछा है कि सबसे पहले तो हम इस महापुरुष के ऋणी हैं जिन्होंने हम दबे कुचले समाज को, वो जिसे कोई पूछता नहीं था उसे उठाकर उन्होंने बीएसपी जैसी, बहुजन समाज पार्टी जैसी पार्टी बनाकर हमें मुख्य विचारधारा के अंदर आके रख दिया, और राजनीति में सबसे बड़ी, तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी बना दिया। हम साहब कांसीराम जी का दिल से, हमारी आने वाली जितनी भी पुस्तें हैं वो सब साहब का हमेशा तहसील से धन्यवाद करेगी, साधुवाद करेगी कि उन्होंने हमें इस लेवल पे ला के रखा कि आप जैसे लोग भी, मीडिया प्रभारी भी हम लोगों को पूछ रहे, वरना इससे पहले पूछ नहीं होती थी। लेकिन आज बात किया जाए जिस तरह से देश भर में बहुजन महापुरुषों की विचारधाराओं को कोई भी राजनीतिक पार्टी हो जिस तरह से अपना रही है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी जो बहुजन महापुरुषों के विचारों पर चलने वाली पार्टी है, क्या वजह है कि आज उसका जो कैडर है, चाहे उसका वोट बैंक हो, चाहे जो उसकी पार्टी का अपनी गरिमा है, वो डाउन होती जा रही है, इस पर क्या कहें? सर ऐसा है कि मान्यवर साहब के ही कथन है कि बीएसपी एक पार्टी नहीं है, ये एक मिशन है, ये एक सामाजिक सुधारण, ये राजनीतिक मिशन है। इस मिशन में, और मिशन कभी है ना रुका नहीं करते, मिशन किसी समय धीरे भी हो जाते हैं, मगर वो कारवा जो चलता रहता है, बाबा साहब का कारवा 50 साल बाद या 40 साल बाद मान्यवर जी ने संभाला, उनके तत्पश्चात हमारी बहन कुमारी मायावती जी जो कि मुख्यमंत्री रही हैं 4-4 बार यूपी की, उन्होंने संभाला, और अब आने वाली जनरेशन भी संभालेगी। समय परिवर्तित होते, गतिशील होता है, वो हमेशा कभी ऊपर और कभी नीचे होता है, मगर मिशन कभी रुका नहीं जाता, मिशन चल रहा है। ऐसा नहीं है आप जो कह रहे हो कि हमारे महापुरुषों की विचारधारा, बीएसपी एक अकेली ऐसी पार्टी है जिसकी कथनी और करनी सब एक है। अभी हाल ही में जो आम चुनाव हुए थे वहाँ पर सबों ने संविधान के नाम पर वोट मांगा था, और संविधान आप सबकी, ये बहुजन समाज पूरे देश की सबसे बड़ी हार है, जिन्होंने उन इंडिया अलायंस को वोट करा, जिन्होंने संविधान की एक लास्ट पुस्तक दिखाकर, वो थी भी नहीं थी आपको पता होगा, उसके नाम पे वोट तो ले लिए, मगर जब हाल ही में आपके मुंह पे जब तमाचा लगा कि वर्गीकरण का फैसला जब कोर्ट करती है, तो सिर्फ और सिर्फ बहन कुमारी मायावती जी की पार्टी, बहुजन समाज पार्टी मान्यवर जी की बनाई हुई पार्टी ही सड़कों पे उतरी अपने हकों के लिए, और सीधे तौर पे क्लियर कट दो टूक में बहन जी ने बोला ये वो फैसला हमें मंजूर नहीं है, कतई नहीं है, क्योंकि ये
वर्गीकरण किए, वर्गीकरण नहीं है, ये डिवाइड एंड रूल की स्ट्रेटेजी है जो अंग्रेजों ने कभी फॉलो करी थी और उसे अब हमारे बीच में कर रहे हैं और भाई भाई को वो काट रहे हैं। सर्वधर्म की बात करती है, एकता समानता और भाईचारा की बात करती है, संविधान में विश्वास रखती है जो बहुजन समाज पार्टी, आप उसको क्या कहेंगे? बहुजन समाज पार्टी सभी धर्मों को साथ लेकर के चलती है, सभी धर्मों के लोगों का कैडर भाईचारा की कमेटी बना करके, भाईचारा कमेटी बनाकर सभी को, सभी जातियों को इसमें लाते हैं। ये सर्व समाज की पार्टी, केवल बहुजन समाज की पार्टी नहीं है, ये सर्व समाज की पार्टी है, जिसमें उत्तर प्रदेश में जब सरकार बनी थी तो एक नारा भी दिया था, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। इसलिए बहन जी ने जब सरकार चार चार बार चलाई तो सभी धर्मों के लिए, सभी बिरादरियों के लिए, सभी वर्गों के लिए काम किया। चलिए एक भाई साहब और हैं, मैं उनसे जान लूँ, कहाँ से आप आए हैं? जी मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ। आप कांसीराम साहब के विचारों को कहाँ कहाँ तक देखते हैं आज पूरे देश में? एक ऐसा है कि जहाँ तक मैं मध्य प्रदेश की बात करूँ, और मध्य प्रदेश में तो परम पूज्य बाबा साहब ने जन्म भी लिया, महू में लिया था। बात यह हुई कि बहुजन समाज पार्टी के जो पुराने नेता थे, उन सभी नेताओं को पूरे देश में, एमपी ही नहीं पूरे देश में, बहुत से नेताओं को निकाला गया। निकालने का असर ये पड़ा कि लोगों के दिमाग में ये आया कि क्या बहुजन समाज पार्टी में ही सबसे ज़्यादा झूठ काम करने वाले नेता हैं, बल्कि अन्य पार्टियों में ऐसा नहीं निकाला जाता। जैसे छोटी छोटी गलतियाँ हुई और उनके सब दिन के लिए बाहर किया जाता है, तो थोड़ा सा उन्हें फिर से एक बार मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये मिशन कमज़ोर होता जा रहा है। आप थोड़ी, आप जानते होंगे कि घर बनाने में अगर एक भी ईंटा गलती से गलत जोड़ दिया जाएगा तो पूरा घर गिर जाएगा, और वो नहीं चाहती थी कि बहन जी कि कोई भी एक छोटी सी गलती हमारे महापुरुषों के ऊपर कोई लालछन हो। देखिए ऐसा है कि आदमी पता नहीं कब क्या बदल जाए, इसका तो किसी को पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ तक मानता हूँ, मेरा मानना है, मध्य प्रदेश में बड़े बड़े नेता हुए, हमारे माननीय राम लखन सिंह पटेल जी दो दो बार विधायक रहे, माननीय प्रदीप पटेल जी, देवदत्त सोनी जी, दादा सेवालाल पटेल जी, है जी, इंजीनियर जीवनलाल सिद्धार्थ जी, प्रहलाद सिंह यादव जी, ऐसे हालांकि हमारे पन्ना जिला के नेताओं को निकाला नहीं गया, लेकिन आपसे बता दूं को जो प्रदेश में पूरे काम करते थे उन्हें छोटी छोटी गलतियों के कारण निकाल दिया गया, और बरैया जी के निकाले जाने के बाद ही जितने भी बने ओबीसी को मौका ही नहीं मिला। बहुजन समाज पार्टी का मतलब है बहुजन समाज के सभी लोगों को नेतृत्व देने की जिम्मेदारी होनी चाहिए। आज तक मध्य प्रदेश में पिछड़े समाज का प्रदेश अध्यक्ष ही नहीं बना, जब नहीं बन रहा, जब आज तक दलित ही प्रदेश अध्यक्ष था, तो परिवर्तन कीजिए। सतना भिंड मुरैना के से, केवल भिंड मुरैना के लोगों को ही प्रतिनिधित्व मिला है, ग्वालियर के लोगों को प्रतिनिधित्व मिला, सतना रीवा से सांसद बने, कई विधायक बने, लेकिन यहाँ के नेताओं को, बुंदेलखंड के नेताओं को मौका नहीं मिला। क्या कहेंगे आप इनके? सर ये आरोप सरासर गलत होने चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी, अभी आप बहन जी की नीयत पर शक कर रहे हो, बहन जी वही बहन जी है जिन्हें हाल ही में दो दिन पहले हरियाणा के जो चुनाव हुए हैं, एक ही सभा में पूरे, मेरे नज़र में बहन जी जैसा कोई नेता नहीं है पूरे देश में, चाहे वो प्रधानमंत्री क्यों ना, जिनके साथ एनएलओ के साथ उनका गठबंधन हुआ था, उस सभा में एनएलओ के प्रधान ने साफ साफ कहा था कि हरिजन शब्द का इस्तेमाल करा था, जो कि बिल्कुल संवैधानिक नहीं है। बहन जी एक ऐसी व्यक्ति है जिन्होंने उसी मंच पे, उसी सभा में, उसी जनता के सामने, उसी माइक पे बोला कि अगर आप हमें हरिजन बोल रहे हो, हम दलितों को हरिजन बोल रहे हो, तो आप क्या राक्षसों की औलाद हो? ये हर किसी के बस की बात नहीं है। बहन जी वो शख्सियत है जो नियम और अनुशासन चलाती हैं, उनके जब आकाश आनंद जी से भी अगर कुछ थोड़ी बहुत ऊपर नीचे बात होती है ना, एक मिनट का टाइम नहीं लगाया उन्होंने, उन्हें भी चाहे वो घर के हुए, एक मिनट में बाहर निकल दिया था कि भैया आप इस पद के कारण नहीं हो। और उसके बाद बहन जी ने बोला, आकाश आनंद जी के वर्ड है, कि क्या समझाया कि ये पार्टी मेरे घर की पार्टी नहीं है, ये पार्टी बहुजन समाज की पार्टी है, ये देश में 85% जो लोग हैं ना, उन सब की पार्टी है, साहब कांसीराम की बनाई हुई पार्टी है, और ये पार्टी ही नहीं है, ये मिशन है जिसे बहुजन समाज का उत्थान होने के लिए बनाया गया, अन्यथा कोई, अगर सर, अगर कोई मान लीजिए किसी को नहीं कर रहा, किसी को कोई पद नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब ये नहीं हो पद छोड़ दे, वो पार्टी छोड़ दे, फिर तो वो अपने स्वार्थ के लिए लगा है, हमें कोई पद मिले या ना मिले, मगर हम बिल्कुल लगे हुए हैं, बहन जी लगी हुई है, हमारी पार्टी आज नहीं है सत्ता में, मगर बहन जी का सिर्फ एक ट्वीट है ना,
पूरी सत्ता को हिला देता है, उसका हाल ही में आपने देखा। ये आप लोगों का और यहाँ पे बहुत बड़ी बात निकल कर आई कि बहन जी की जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, जो माननीय कांशीराम साहब जी बनाई थी, वो एक पार्टी नहीं एक मिशन भी है जो बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों के दिखाए रास्ते पे चलती है। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए। शुक्रिया।